हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी बाई प्रोफेसर एस के सिन्हा कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे तो स्टूडेंट्स एम आई एस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वैक्टर कैलकुलस से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डायरेक्शन डायरेवेटिव ऑफ अ स्केर फंक्शन This is most most important topic for you for the students of BE BTech बी and other competitive examinations also. Okay, students. isse pehle main aapko इससे पहले आपको वेक्टर मैं आपको चैप्टर interpretation कैलकुलस से जो इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडिएंट और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है तो रिविजन के लिए आप मेरे चैनल एम आई इंडिया पर देख सकते हैं ओके okay, तो स्ट्रेंड्स आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ तो उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को डायरेक्टली ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन को बहुत अच्छे समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए स्ट्रेंड्स विदाउट से स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर कैलकुलस बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे मैं प्रोफेसर एस के सिन्हा एम आई एस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन ओके सो राइट डाउन प्लीज एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स एक्चुअल में वॉट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टॉपिक से मैं आपको कुछ टू और थ्री करवाऊंगा मैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम में आ चुकी है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायरेवेटिव क्या है ओके और इससे रिलेटेड हम जो यूनिट वैक्टर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका एक्चुअल फार्मूला क्या है तो आई स्टूडेंट्स करते हैं देखिए सो so, प्लीज लेट एफ एक्स वाई जेड define a scalar field define a scalar field in a region r suppose suppose point p x y z is some point in the region Is some point in the region and Q. X plus del X, here del X is increment in X, and Y plus del Y, increment in Y, and Z plus del z del z is an in, in, increment in z is point in the region in the region near to p near to point p in the direction of in the direction of In the direction of a given unit vector unit vector a cap Okay. So then limit q approaches to P on the function f of q minus f of p divided by P Q the distance okay here delta X delta y is the increment in X y and z okay is a point in the region near the point P in the direction of a given unit vector a cap unit vector a the limit q approaches to P and this is f of Q f of Q minus f of P upon P Q if it exists, इज इज दल दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ठीक है ना अगर इसको एग्जिस्ट करती है तो इस एक्सेंस को हम क्या कहेंगे इज कार्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पी एफ एट पी इन द डायरेक्शन ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए ये स्टूडेंट देखिए ओके okay, तो हम ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि एफ इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए ठीक है स्टूडेंट तो ये थी हमारी डेफिनेशन होती डायरेक्शनल डायरिवेटिव ठीक है अब अब इस एक थ्योरम से मैं इसको रिलेट करूंगा कि एक्चुअल में हमने कैसे फाइंड आउट करना है क्या फार्मूला है जैसे मैंने आपको बताया भी था कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट में याद कीजिए आप थोड़ा सा इस जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ फंडामेंटल्स मैंने वहाँ भी यूज़ किए हैं ओके okay, वहां पे मैंने जोमेट्रिकल इसका पूरा कैलकुलेट किया हुआ है इसको लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा मैं आपको बाय डेफिनेशन और कुछ थ्योरम्स में डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स से करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पर बी एस में तो इनका प्रूफ भी आ जाता है ठीक है स्टूडेंट्स तो सबसे पहले चलिए मैं लिखता हूं यहां थ्योरम आपके पास थ्योरम नंबर वन थ्योरम नंबर वन तो थ्योरम है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव Of a scalar field F at a point P X, y, Z, in the direction of in the direction of vector A vector. गिवन बाय इज गिवन बाय डी एफ बाय डी एस इज इक्वल टू डेल एफ डॉट यूनिट वेक्टर ए ये जो है स्टेंट्स ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ओके तो थ्योरम क्या कहती है कि द डायरेक्शन द डायरेक्शनल डायरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड द डायरेक्शनल डायरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड एफ एट ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ वैक्टर ए वैक्टर इज गिवन बाई डी एफ बाई डी एस इज इक्वल टू डेल एफ डोट यूनिट वैक्टर ए स्टूडेंट्स चलिए करते हैं इसको तो चलिए नाउ प्रूफ ऑफ uh, दिस थ्योरम ओके तो मैं सबसे पहले लेट क्यू बी ए point लेट q be a point in the neighborhood of p in the neighborhood of point p in the direction of in the direction of given vector a vector okay, suppose L M N are the direction cosine are the direction cosine of the line of the line PQ that is that is L unit vector I plus MJ plus N unit vector k okay is unit vector is unit vector in the direction of in the direction of a cap unit vector a okay therefore देर फोर यूनिट वैक्टर ए इज इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस यूनिट वैक्टर एन के ठीक है स्टूडेंट्स इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर वन ठीक है ना इफ प्वाइंट पी एफ प्वाइंट पी एक्स वाई जेड ओके एंड एंड पी क्यू इज इक्वल टू डेल एस देन द कॉर्डिनेट ऑफ क्यू देन दी जो क्वारिनेट्स ऑफ क्यू हमारे पास दी लेट द क्यू बी दी पॉइंट इन द नेबरव ऑफ द्वाइंट पी तो क्यू के क्वार्स क्या होंगे कि इफ पी एक्स वाई जेड इज इजेड एंड पी क्यू इजल डू डेलेस देन देन क्यू पॉइंट देन द्वारिनेट ऑफ क्यू देन दर्डिनेट्स ऑफ क्यू Are x plus l del x comma y plus m x del x plus m del y p q is equal to del s it means point q is स दिस इज योअर एक्स प्लस एल डेल एस प्लस वाई प्लस एम डेल एस कोमा जेड प्लस क्योंकि दिस इज पी क्यू इज इक्वल टू डेल एस इट मीन्स जेड प्लस एम एन एन डेल एस ये पॉइंट्स ठीक है स्प्रेंट्स तो देर फोर डी एफ बाई डी एसों प्लीज नेक्स्ट इज ठीक है कुछ Q, Q तो जो पॉइंट है लेट क्यू क्यू बी पॉइंट लेट क्यू बी पॉइंट इन दी नेबरहुड ऑफ दी पॉइंट पॉइंट तो जो हुए हमारे पास एल डी एस एम डी एल एस और एन डेल एस ओके तो यहां स्टूडेंट्स अब मैं देर फोर डीएफ बाई डी एस इज इक्वल टू लिमिट क्यू अप्रोचेस टू पी ओके एफ ऑफ क्यू यूजिंग द डेफिनेशन एफ ऑफ पी डिवाइड बाय पी क्यू इट्स इक्वल टू लिमिट चलिए डेल एस अप्रोचिस टू जीरो ऑन एफ एक्स प्लस एल डेल एस वाई प्लस एल वाई प्लस एम डेल एस ओके प्लस कोमा एक्स वाई जेड प्लस एंड डेल एस ऐसे लिखिए इसको आप माइनस एफ एक्स वाई एंड जेड स्टूडेंट्स ठीक है ना यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ दोर डी एफ वाई डी एस इज इक्वल टू लिमिट क्यू अप्रोचिसन दिस फंक्शन एफ क्यू माइनस एफ पी वेयर क्यू क्यू इज दिस इज योअर क्यू बिकॉज दी कॉर्डिनेट ऑफ द क्यू आर एक्स डेल एस प्लस वाई एम डेल एस एंड जेड प्लस एन डेल एस वेयर दिस point Q is the, uh, uh, it's the neighborhood of the point P. So, it is PQ in the direction of this is dF by dS limit Q approaches to P. So, here this become in this case, okay. So, now this is equal to limit delta S approaches to 0. Now, we will apply Taylor theorem, na? Expanding the Taylor theorem f of f x, y, z, okay. f x, y, z plus एल डेल एस करली एफ बाय करली एक्स प्लस एम डेल एस करली एफ अपोन करली वाई प्लस एन डेल एस करली एफ अपोन करली जेड प्लस एन टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज माइनस एफ एक्स वाई जेड डिवाइड बाय डि डेल्टा एस ठीक है एस अप्रोचेस टू जीरो न यू गेट एल डेल एस क्योंकि यहां मैं लिख लेता हूं स्टूडेंट देखिए इसको चलिए अभी मैं यहां लिखेंगे हम कि एक्सपेंडिंग बाय टेलर थ्योरम बाय टेलर थ्योरम इट क्लोज ठीक है एंड ऑफ दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल एस अप्रोचेज टू जीरो एल डेल एस कर ली एफ वाई करली एक्स प्लस एम डेल एस करली एफ अपोन करली वाई प्लस एन डेल एस करली एफ अपोन करली जेड डिवाइड बाय डेल एस ठीक है स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू अब यहां से मैं डेल एस ऊपर से कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा यहां पे देखिए कि लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो डैलस टेक कॉमन तो देन यू हैव एल करली एफ बाई करली एक्स ठीक है और यहां से मैं डेलेस कॉमन ले लेता हूं चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम नहीं करेंगे डेलेस और एल करली एफ बाई करली एक्स प्लस एम करली एफ अपॉन करली वाई प्लस एन करली एफ बाई करली जेड और यहां भी ये यह आपके पास क्या है डेलेस तो डेलेस से डेलेस कैंसिल तो आपके पास क्या बचा स्टूडेंट्स देयर फोर डी एफ बाई डीएस ये डी एफ बाई डी एस इज इक्वल टू एल करली एफ बाई करली एक्स प्लस एम करली एफ बाई करली वाई प्लस एन करली एफ वाई करली जेड ठीक है ना विच कैन बी रिटर्न एज विच कैन बी रिटर्न एज विच कैन बी रिटर्न एज करली एफ बाय करली एक्स देखिए स्टूंट्स यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ करली एफ बाय करली एक्स दिस कैन बी रिटर्न एज डी एफ बाय डी एस इज इक्वल टू करली एफ बाय करली एक्स यूनिट वैक्टर आई प्लस करली एफ अपोन करली वाई यूनिट वैक्टर जे प्लस करली एफ अपोन करली जेड यूनिट वैक्टर के ओके इन टू यूनिट वैक्टर एल आई एम जे और यूनिट वैक्टर एन के ठीक है स्ट्रेंड्स देखिए अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज यू नो आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल टू वन तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट द सेम अब देखिए स्ट्रेंड्स यहाँ पे यहाँ देखिए बड़ा मजेदार हो गया ये दिस इज इक्वल टू दी ग्रेडियंट एफ दिस इज यूर डेल एफ और ये क्या है हमारा दिस किसकेक्वल था इस वाज़ बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू एल आई प्लस जे प्लस यूनिट इक्वल था डॉट यहां पर डॉट ऑफर एंड ठीक है तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर वन फ्रॉम द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ठीक है तो इसके बाद एक थ्योरम और करते हैं आइए तो थ्योरम नंबर टू है देखिए इफ n be a unit normal to the level surface fxyz is equal to c at a point pxyz and n be the direction of p from some fixed point a in the direction of unit vector n so that delta n represents the element of the normal at a. इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वैक्टर एन देन द्रेडियंट एफ यानी कि डेल एफ इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एस एन कैफ ठीक है स्प्रिंट्स ये प्रूव करना हमने कि डेल एफ और यू कैन से डेल एफ इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एस यूनिट वैक्टर एन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम स्प्रिंट ये भी फ्रॉम द डायरेक्शन डेरिवेटिव ओके तो चलिए नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम

also del f is normal to the surface is normal to the surface is normal to the surface fxyz is equal to c right so as unit vector n yeah n is a यूनिट वैक्टर नॉर्मल टू दर्फेस एफ एक्स वाई जेड ठीक है स्टूडेंट्स एन कैप जो है क्या है एक यूनिट वैक्टर है जो कि क्या है नॉर्मल टू दर्फेस एफ एक्स वाई जेड देर फोर डेल एफ इज इक्वल टू लैमडा यूनिट वैक्टर एन ठीक है ना वेयर लैमडा इज दी इज लैमडा तो हमने लैमडा ही हमने यहां फाइंड आउट करना है वेयर लैमडा टू बी डेटरमाइंड इसको ले लिया मैंने नंबर वन ठीक है ना जो कि लैमडा हमने फाइंड आउट करना है कि इज इक्वल टू लैमडा एंड वेयर लैमडा टू बी डेटरमाइंड जो हमने फाइंड आउट करना है सो नाउ नाउ डी एफ बाय डीएन is equal to directional derivative directional derivative of f in the direction of in the direction of unit vector n okay तो हेयर दिस इज इक्वल टू डेटिव डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप सो हेयर दिस इज यूर डेल एफ डॉट यूनिट वैक्टर एन इज इक्वल टू डेल एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल स्टूडेंट लेमड़ा एन फ्रॉम वन तो ये हो जाएगा लैमडा एन यूनिट वैक्टर और दिस इज यूर एन कैप ओके तो एन कैप क्या हो गया हमारे पास ये दिस इज इक्वल टू लैमडा बिकॉज क्टर ऑफ टू मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू वन ठीक है ना ये देखिए नोट कीजिए एंड दिस इज इक्वल टू लैमड़ा सो हेयर लैमडा डेल्टा एफ डॉट यूनिट वैक्टर एन इज इक्वल टू लैमडा तो अब ये जो है हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या आ गई यहां पर लैमड़ा जो है यह है तो so, सब्जीट्यूट ये वैल्यू फुट कर देंगे लैमडा की यहाँ पे सब्टीट्यूट दैल्यू ऑफ लैमडा दैल्यू ऑफ लैमडा इन इक्वेशन नंबर वन देन वी हैव जो लैबडा की जो वैल्यू है ये यहां पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या जाएगा आपके पास देखिए डेल एफ डेट ग्रेड एफ एक ही बात है इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एन डोट यूनिट वेक्टर एन देखिए स्टूडेंट इन नंबर वन तो डीएफ बाई डी एन तो जो है ये है तो ये वन हो गया तो यहां पे डीएफ बाई डी एन सो दिस इज योअर डेल एफ और डेल एफ डोट यूनिट वैक्टर एन इज इक्वल टू लैमडा तो इट मींस लैमडा की जो वैल्यू है एन तो इस, इस, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल एफ दैट इज ग्रेड एफ इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एन देखिए स्टूडेंट्स यहां पर डीएफ बाई डी एन सो डी एफ बाई डी एन इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एन इज इक्वल टू लैमडा ये जो वैल्यू है इसकी देखिए ये ये जो है डी एफ बाई डी एन देखिए ये जो लैमडा है ठीक है यानी कि सो हे द्रेड एफ इज इक्वल टू एन सो अब ये, ये प्रूव करना था यहां पे ओके okay, तो यहां पे एक पॉइंट नोट कीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए नोट दिस पॉइंट प्लीज कि डी एफ बाई डी एन डी एफ बाई डी एन इज पॉजिटिव इज पॉजिटिव इफ यूनिट वैक्टर एन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ एफ इंक्रीजिंग बस यही प्रूव करना था हमने ये देखिए डेल एफ और ग्रेड एफ इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एन ओके तो okay, so ये थी हमारे पास डायरेक्टल डायरेवेटिव पॉइंट फंक्शन की डेफिनेशन और डेरिवेटिव रिलेटेड टू वेरी वेरी थ्योरम ओके थ्योरम नंबर ए और थ्योरम इज डीएफ टू डीएफ बाई डी एस यूनिटर एन ओके तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थोरम स्टूडेंट्स आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सोल्व करूँगा डेफिनेटली ओके तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए साथ में कमेंट कीजिए शेयर कीजिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर्टिकल थ्योरम्स इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट